देखो हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभाग में जो संबंध थे उसे क्वेश्चन कराए थे। एक एग्जाम्पल और देखेंगे आप, एग्जाम्पल नंबर 3.7, एग्जाम्पल नंबर 3.7 और देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.7 क्या कह रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। विद्युत विभव दे रखा है V बराबर में 343 बटे में R वोल्ट। समझ में आ, ये दे रखा है विद्युत विभव और स्थिति सदिश R वेक्टर दे रखा है। ठीक है, स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर दे रखा है, ये दे रखा है स्थिति सदिश R वेक्टर 3i के प्लस में 2j के, ठीक है, और माइनस के 6k के, और ये दे रखा है मीटर, इसमें दे रखा है मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो विभव का मान दे रखा है और स्थिति सदिश दे रखा है। ठीक है, तो हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का। तो देखो विद्युत क्षेत्र का मान अभी आपको मैं बात करूं, देखो विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला होता है, अभी मैंने बताया आपको, ई वेक्टर बराबर होता है माइनस में डेल्टा वी अपॉन में डेल, या कह सकता हूं डेल वी अपॉन में डेल आर, डेल वी अपॉन में डेल वी अपॉन में डेल आर। इसका मतलब अवकलन होता है, क्या होता है, अवकलन दिशा, गणितों में आर के निकल दिया आर के, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव में क्या होता है, संबंध होता है। अब यहां वी का मान आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 343 अपॉन में आर। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम यहां साइड में निकाल लेते हैं डेल, यहां मैं यदि बात करूं तो बी का मान डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर निकालूं, तो देखो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा आर निकालूं तो क्या आ जाएगा, डेल अपॉन में डेल आर, तो यहां रख दूंगा मैं 343 बटे में आर। ठीक है, 343 बटे आर को मैं आर के सापेक्ष अवकलन करूं, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो 343 कांस्टेंट पे भाग लेंगे, 1 / आर का अवकलन क्या होता है, 1 / आर का अवकलन क्या होगा भैया, 1 / आर का अवकलन होगा और आर की घात -1, घात को आ गया -1, आ गया में घात में से 1 घटाओ तो माइनस की 2 नीचे आएगी, कितना हो जाएगा -1 / 1 में आर स्क्वायर। समझ में बात, ठीक है, तो यहां मैंने इसका अवकलन किया तो बराबर में डेल वी / डेल आर बराबर में अवकलन किया, देखो अवकलन किया 343 को भाग लिया डेल / डेल आर और 1 / आर का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस में 1 / आर स्क्वायर। मैंने बताया 1 / आर का अवकलन करना है आर के सापेक्ष, तो आर सबसे पहले आर को ऊपर ले गए तो आर की घात -1, अब सूत्र क्या होता है, घात को आगे लाए घात में से 1 घटा दिया तो -1 आ गया, आर -1 है -1 कर दिया तो -1 -1 -2 -2 आर की घात -2 जब नीचे जाएगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में बात, ठीक है, तो यहां डेल वी / डेल आर अपने पास आ जाता है कितना 343 / में कितना जाता है -k r² ये आपके पास क्या आ गया अवकलन आ गया, क्या आ गया अवकलन। इस अवकलन का मान मैं यहां रखूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो इसका अवकलन मान यहां रखूं तो e वेक्टर बराबर में, ठीक है, देखो माइनस ये है और माइनस ऑलरेडी यहां है, यहां रखूंगा तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा 343 / में r स्क्वायर और r कैप, r कैप को आप खोलना जानते हैं, r कैप बराबर होता है r वेक्टर / सदिश बटे में सदिश का परिमाण, तो r कैप को वैसे बोलेंगे r वेक्टर / r वेक्टर का परिमाण, परिमाण लेते तो वेक्टर हट जाता है, केवल क्या आ जाता है r आ जाता है। ठीक है, तो यहां रखा मैंने, जब यहां रखा तो e वेक्टर बराबर में आ गया 343, ठीक है, यहां रखा r वेक्टर / में नीचे आ जाएगा r स्क्वायर तो r की घात कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब r वेक्टर आ रहा है, r वेक्टर का मान यहां से निकाल लेंगे, r वेक्टर का मान जब निकाला, ठीक है, ध्यान से सुन लिया, r का मान निकाला, r वेक्टर दे रखा है तो r वेक्टर दे रखा है तो r वेक्टर से r का मान निकाला कितना आएगा, देखो यहां से मैं r का मान निकाल सकता हूं, r वेक्टर का परिमाण निकालूं तो r के बराबर होता है और ये कितना आ जाएगा, देखो इन तीनों के गुणांकों का वर्ग करेंगे और क्या लेंगे अंडर रूट, ठीक है, तो ये आ जाएगा ये अपने पास 9 3 5
का स्क्वायर 4 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 कितना आ जाएगा 36। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बताओ, r का मान देखो यहां 36 और ये 49 क्या हो जाएगा 49। तो r r वेक्टर या r बराबर में आ जाएगा अंडर रूट 49 बराबर में 7 मीटर। समझ में आया? ठीक है, अब यहां 7 यहां रख देंगे, r वेक्टर का मान ये रखा रख देंगे, तो देखो e वेक्टर बराबर में 343 बटे में 7 का 3। ठीक है, हम यहां रख देंगे इसका r वेक्टर का मान 3 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में माइनस में 6 k कैप, ये रख देंगे। 7 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है 343 आता है, तो ये कट जाएंगे। ठीक है, अपने पास केवल ये प्राप्त हो जाएगा e वेक्टर बराबर में कितना प्राप्त हो जाएगा 3 i कैप प्लस में 2 j कैप माइनस में 6 k कैप, ये आ जाएगा इसमें वोल्ट प्रति मीटर में, इसमें आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर में। तो ये आपके पास में निकाला विद्युत क्षेत्र का मान, ये किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया है। फटाफट इसको नोट करो भैया। फटाफट इसको नोट करो जल्दी। हाँ, ये आपने नोट किया होगा, आगे चलते देखो। अब हम विद्युत विभव की बात करेंगे, गोलीय कोश के कारण खोखले गोले के कारण विद्युत विभव क्या होगा। तो देखो हेड लाते हैं हम गोलीय कोश, गोलीय कोश या फिर खोखला गोला, के कारण विद्युत विभव, गोलीय कोश के कारण विद्युत विभव या खोखले गोले के कारण विद्युत विभव। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R, कितनी है कैपिटल R, ठीक है, ये कोई खोखला गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है। इस खोखले गोले को बाहर से प्लस Q आवेश दिया तो आवेश इसकी सतह पर आ गया, कहाँ है इसकी सतह पर आ गया है। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैंने क्या किया है, एक गोला लिया है, एक खोखला गोला लिया है, एक गोलीय कोश लिया है जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है, इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल R है। अब इस खोखले गोले को मैंने प्लस Q आवेश से जब आवेश दिया तो संपूर्ण आवेश कहां गया, इसके पृष्ठ पर आ गया। तो हमको इसके
इस गोले के कारण विद्युत भाव ज्ञात करना है। एक तो बिंदु अंदर ले सकते हैं पृष्ठ पर और बाहर, ठीक है, तो गोले को उसके अंदर पृष्ठ पृष्ठ पर और बाहर तीन बिंदु लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब मैंने निकाली थी तो याद करो उस समय बताया था मैंने कि हम यहाँ हम बिंदु क्षेत्र की तीव्रता मैंने तीन स्थान पर निकाली थी, जब बिंदु बाहर हो, बिंदु बिंदु भी बाहर हो, बिंदु भी पृष्ठ पे हो, बिंदु भी कहाँ हो, ठीक है, गोले को उसके अंदर। इसी प्रकार यहाँ विभव बाहर ज्ञात करेंगे, पृष्ठ ज्ञात करेंगे, कहाँ ज्ञात करेंगे, अंदर ज्ञात करेंगे। समझ में एक बार, ठीक है, तो देखो माना कैपिटल आर जब कोई गोलीय कोश है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है, माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, जिसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया गया है, गोलीय कोष के अंदर कोमा पृष्ठ पर तथा बाहर, गोलीय कोष के अंदर कोमा पृष्ठ पर, गोलीय कोष के अंदर कोमा पृष्ठ पर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की गणना, विद्युत विभव की गणना करनी है। गोलीय कोष के अंदर कोमा पृष्ठ पर तथा बाहर विद्युत विभव की गणना करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट लिखता हूं मैं, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट, जब बिंदु, ये बना देना पहले लिया, तो जब बिंदु, तो यहां मैं पहला पॉइंट याद कर लेता हूं, यहां लिखता हूं मैं जब, पहला पॉइंट, जब बिंदु पी गोलीय कोष, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, तो बाहर स्थित हो तो लेंगे आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, ठीक है। तो मैंने एक बिंदु ले लिया भैया, बिंदु पी ले लिया गोलीय कोष के बाहर, बिंदु पी, समझ गए एक बार, ठीक है, बिंदु पी गोलीय कोष के बाहर ले लिया, आर दूरी पे लिया, आर दूरी पे, समझ गए एक बार। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस गोले के बाहर की ओर होगी, क्योंकि हमेशा धनावेश है, वो धनावेश विद्युत क्षेत्र का बाहर निकलती है, तो वो क्या विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, त्रिज्यीय रूप में कैसा होता है, त्रिज्यीय रूप में, तो ये विद्युत क्षेत्र क्या होगी, दिशा होगी, ठीक है। तो ये बिंदु डालो, जब बिंदु पी गोले कोष के बाहर स्थित हो, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, त्रिज्या कैपिटल आर है, मैंने केंद्र को से स्मॉल आर दूरी पर बाहर एक बिंदु पी स्थित है, समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो इसमें चित्र बनाओ फटाफट, जल्दी डायग्राम बनाओ, ये जल्दी फटाफट डायग्राम बनाओ, जल्दी डायग्राम बनाओ फटाफट, जल्दी डायग्राम बनाओ। मैंने एक बिंदु पी बाहर ले लिया है, तो देखो इसमें, देखो इसमें गोलीय कोष के केंद्र को से स्मॉल आर दूरी पर, गोलीय कोष के केंद्र को से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर गोलीय कोष के बाहर, स्मॉल आर दूरी पर गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु पी स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है, एक बिंदु पी स्थित है जिस पर, एक बिंदु पी स्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है, जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये यहाँ बाहर विद्युत विभव की क्या करनी है, गणना करनी है,
तो देखो यहाँ विद्युत विद्युत विभाग की परिभाषा से क्या होती है परिभाषा की V बराबर, ये मैंने फॉर्मूला आपको दिखाया है, V बराबर में माइनस क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है अनंत से, कहां पर अनंत से और R दूरी पर, कितनी दूरी है ये R दूरी, अनंत से R, अनंत से R दूरी E वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है। अब यहां भी हम R दूरी पे याद कर रहे हैं, दूरी पे याद कर रहे हैं, अनंत से कोई आवेश आ रहा है, R दूरी पर हम विद्युत विभव याद कर रहे हैं, यहां याद कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिमिट कितनी लगेगी, अनंत से R कितनी लगेगी, अनंत से R लगेगी, ठीक है, क्योंकि हम कितनी दूरी पे याद कर रहे हैं, R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R कहां से लाएंगे आवेश को, अनंत से, तो अनंत से R क्या लगा दी मैंने, लिमिट लगा दी। अब भार याद कर रहे हैं, तो भार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है, तो ध्यान रखिए गोलीय कोश के भार, गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता भैया, ई आउट, ई वेक्टर बराबर में कितना होता है, ई वेक्टर बराबर में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और आर कैप, ये होता है कहां बाहर होता है, कहां होता है बाहर, ठीक है। ये गोलीय कोश के बाहर याद करो, सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो गोलीय कोश के बाहर में विद्युत क्षेत्र कितना लगाया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 दिया, इसको समीकरण नंबर 2 मान रखा यहां, तो आया v बराबर में कितना आया, माइनस में अनंत से और कहां तक, r तक लिमिट लगाई मैंने, यहां मान रखा इसका k q अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है, और यहां देखो dr वेक्टर, ठीक है, समझ गए क्या, dr वेक्टर और यहां क्या आ जाएगा, डॉट में r कैप, क्या आ जाएगा, डॉट में r कैप, ये आ रहा है ना r कैप, ये आ रहा है r कैप, यहां ऐसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले सकते हैं r कैप डॉट में dr वेक्टर, समझ गए क्या, dr वेक्टर तेरा e वेक्टर का मान मैंने यहां से यहां रख दिया, ठीक है, जब e वेक्टर का मान मैंने यहां से यहां रखा तो अपने पास समस्या आई, r कैप भी आ रहा है और dr वेक्टर भी आ रहा है, ठीक है, तो r कैप और dr वेक्टर को जब खोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे, तो r कैप का मान क्या है, एकांक सदिश है, एक होता है, तो इसको बोलते हैं r कैप, चूंकि अंकों में r कैप, ठीक है, r कैप डॉट dr वेक्टर बराबर होता है dr cos थीटा, क्या होता है, dr cos थीटा, r कैप कहां चला गया बताओ, r कैप एकांक सदिश है जिसका मान क्या होता है, एक होता है, r कैप डॉट dr वेक्टर क्या होता है, cos थीटा। अब देखो यहां dr की और r की दिशा समान होती है, dr अल्पांश की अल्पांश क्षेत्रफल की और r की e की दिशा क्या होती है, समान होती है, समझ लो, r है r के मतलब किस दिशा में कर रहा है, मतलब क्षेत्र की दिशा में कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ऐसे, अल्पांश दिया जाए अल्पांश की दिशा भी ऐसे, ठीक है, कह सकता हूं मैं r के वे dr वेक्टर की दिशा समान है तो थीटा कितना बनेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो यहां क्या आ जाएगा, r के डॉट dr वेक्टर बराबर में कितना आ जाएगा, dr cos θ, cos 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा अपने पास, सुनने की बात, ठीक है, r के डॉट dr क्या होता है, dr होता है, क्या होता है, dr होता है, ठीक है, तो यहां पर फटाफट नोट करो, चित्र बनाओ भैया और ये निकालो पहले, चित्र बनाओ ये यहां पर नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भैया,
उतार लिया होगा तुमने। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डी आर लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, डी आर। तो अपने पास रो आ गया बी बराबर में माइनस में अनंत से आर, तो यहां आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर और डी आर। ठीक है, आगे देखो बी बराबर में माइनस के क्यू को भाग ले लिया और समाकलन किया अनंत से आर वन अपॉन में आर डी आर। ठीक है, वन अपॉन आर का समाकलन क्या होता है भैया, वन अपॉन आर स्क्वायर भैया, वन अपॉन आर स्क्वायर, वन अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, वन अपॉन आर स्क्वायर समाकलन क्या होता था पिछली क्लास में के क्यू, और यहाँ समाकलन हो गया इसका माइनस के एक बटे में आर, वन अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन क्या होता है माइनस में एक बटे में आर, लिमिट लगाई अनंत से आर, लिमिट खोलेंगे वी बराबर में लिमिट खोली माइनस के क्यू लिमिट खोलेंगे माइनस के क्यू लिमिट खोली, तो देखो आर रखेंगे तो माइनस के एक बटे आर प्लस के एक बटे में अनंत। ठीक है, एक बटे अनंत क्या होता है, जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है, एक बटे अनंत क्या होता है, जीरो होता है। जब एक बटे अनंत जीरो है ठीक है, तो यह यहां पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो वी आउट, वी आउट बराबर आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर, आ जाएगा के क्यू अपॉन में आर। ठीक है, ऐसे कह सकता हूं मैं वी आउट बराबर में एक बटे में फोर पाए एप्सिलॉन नॉट के का मान दिया क्यू बटे में आर, इसको मैंने समीकरण में दे दिया थी, तो मैंने बाहर में तो क्षेत्र निकाला और बाहर में तो क्षेत्र कितना आया वी आउट बराबर एक बटे फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर। तो ये इस प्रकार से हम कहां निकालेंगे, पहले बाहर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, ठीक, कहां निकालेंगे, बाहर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र। अब हमने बाहर को कैलकुलेट कर लिया, अब कहां करेंगे, यदि बिंदु P कहां हो, पृष्ठ पर हो, कहां हो, पृष्ठ पर स्थित हो, हाँ, देखो दूसरा पॉइंट याद करेंगे, दूसरा पॉइंट याद करें, दूसरा पॉइंट, यदि बिंदु P, बिंदु P गोली है फोर्स के पृष्ठ पर स्थित हो, आर बराबर में कैपिटल आर, पृष्ठ पे हो, कहाँ हो, पृष्ठ पर। तो देखो फॉर्मूला विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या आ जाएगा, वी बराबर माइनस अनंत से, और यहाँ चित्र बना देता हूँ पहले में, देखो डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम बहुत ही आवश्यक है, तो ये मैं चित्र बना दिया, ये त्रिज्या कैपिटल आर, ठीक है, बिंदु P अपना यहाँ है आर पे, आर दूरी पे, ठीक है, प्लस Q आदेश दिया मैं इसको, प्लस Q प्लस Q प्लस Q। अब घटना करने के लिए हम देखो अनंत से आवेश कितनी दूरी बना रहे हैं, कैपिटल आर दूरी पे, बना रहे हैं कैपिटल आर दूरी पे। देखो विभव की परिभाषा से, देखो v बराबर में सूत्र होता है अनंत से माना रहे, पहले स्मॉल आर दूरी बता रहे थे, अब माना रहे कैपिटल आर दूरी पर, आर बराबर कैपिटल आर हो गया, तो आर दूरी पर कैपिटल आर लिमिट लगाई e वेक्टर डॉट में dr वेक्टर। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जो भार प्राप्त हुआ है विभव,
वहां स्मॉल आर की जगह कर देंगे कैपिटल आर लिख देंगे, कर देंगे कैपिटल आर लिख देंगे, तो वी सरफेस बराबर में एक बटे में फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में कैपिटल आर। ये आ गया भैया पहले लिमिट, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे, ई का मान रख के देखेंगे, ठीक है, तो यही आएगा, समझ लीजिए आप, ठीक है, तो ये आएगा, तो यहाँ कैपिटल आर लिख देंगे, समीकरण नंबर दे देंगे चार। ये आपके पास व्यव प्राप्त हुआ है कहाँ, सरफेस पर, कहाँ प्राप्त हुआ, सरफेस पर, सतह पर प्राप्त, कहाँ प्राप्त हुआ है, सतह पर प्राप्त हुआ। ये काम प्राप्त हुआ है सरफेस पर प्राप्त हुआ, फटाफट नोट करो, देखो पहले लिमिट लगाई थी अनंत से स्मॉल आर, हम आवेश को अनंत से स्मॉल आर दूरी बुला रहे थे, अब स्मॉल आर दूरी ये है, स्मॉल आर बराबर में कैपिटल आर ये है, तो यहां मैं कैपिटल आर दूरी बना रहा हूं, स्मॉल आर की एक्स का कैपिटल आर, तो v सरफेस पर कितना आ गया 1 बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओपन में कैपिटल r। ये विभव प्राप्त हुआ है गोलीय कोश की सरफेस पर, प्राप्त हुआ है गोलीय कोश की सरफेस पर। अब एक तीसरा पॉइंट बचा हुआ है, अब हम गोलीय कोश के अंदर विभव ज्ञात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान से सुनना है कि गोलीय कोश के अंदर विभव किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, समझ में बात, ठीक है, तो गोलीय कोश के अंदर विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको आपको देखना है। तो देखो यहाँ कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ अलग प्रकार से हम याद करेंगे, क्यों करेंगे वो देखेंगे। तो तीसरा पॉइंट में लिखा, तीसरा पॉइंट है आपका, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, कहां स्थित हो, गोलीय कोश के, जब बिंदु P गोलीय कोश के अंदर स्थित, मतलब इसका आर लेस देन कैपिटल आर। डायग्राम बनाया जाए, देखो डायग्राम बनाए किस प्रकार से बनाए, ये कोई गोलीय कोश, इसकी त्रिज्या यहां कैपिटल आर और यहां कोई बिंदु है P, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, ठीक है, और ये इसका केंद्र बिंदु, प्लस क्यू में इसको आवेश दिया, आवेश कहाँ आ गया, सरफेस पर। ठीक है, तो देखो मैं कैसे जाता हूं, देखो अगर मैं अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु तक लाऊं, अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु तक लाऊं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी आपने, आप देखना ध्यान से सुनना, कैसे याद करेंगे कि मैं किसी आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाऊं, तो आप देखो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक जैसी रहती है क्या, देखो भार होती है एक ओपन में आर स्क्वायर, कितनी होती है एक ओपन में आर स्क्वायर, सतह पर कितनी होती है एक ओपन में कैपिटल आर स्क्वायर, और जैसे ही अंदर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, शून्य, क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, समझ में बात, ठीक है, तो ध्यान से सुनो, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत से बिंदु P तक एक जैसी होती तो हम जैसे मैंने बाहर निकाला था विद्युत विभव ऐसे ही निकाल देता, समझ में बात, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि यदि अनंत से किसी आवेश को बिंदु P तक लाते
और बिंदु छेद की ऊर्जा बिल्कुल नहीं परिवर्तित होती, के क्यूब r स्क्वायर की ऊपर r स्क्वायर रहती, तो हम कुछ नहीं करते। जैसे हमने बाहर विभव निकाला है ऐसे विभव निकालते हैं, लेकिन चक्कर यहाँ ये है कि जब हम अनंत से किसी आवेश को ला रहे हैं तो बाहर का बिंदु छेद की ऊर्जा होती है, देखो बाहर यहाँ देखो ये आवे यहाँ तो बाहर बिंदु छेद की ऊर्जा होती है के क्यूब में r स्क्वायर, और सतह तक यही होती है, ठीक है, सतह पे अधिकतम हो जाती है। उसके बाद जैसे तो बिंदु छेद की ऊर्जा क्या हो जाती है शून्य। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिंदु छेद की तीव्रता दूरी के साथ एक समान रूप से परिवर्तित नहीं हो रही है। बिंदु r तक किसी आवेश को, ठीक है, किसी आवेश को अनंत से बिंदु r तक लाने में, बिंदु p तक लाने में, यहां बिंदु p है या बिंदु p तक लाने में बिंदु छेद की तीव्रता एक समान रूप से परिवर्तित नहीं होती है। समझ में आया, ठीक है, एक समान रूप से परिवर्तित नहीं होती। जब एक समान रूप से परिवर्तित नहीं होती तो बिंदु प्रयोग कैसे जांच करें, तो इसको दो भागों में तोड़े, यहां तक समान है बिंदु छेद की ऊर्जा तो अनंत से कैपिटल आर दूरी तक ला दें, और फिर कैपिटल आर से कहलाए स्मॉल आर। यहां सुनो, सबसे पहले हम यहां से बाहर भाग बिंदु छेद की ऊर्जा समान है के क्यूब r स्क्वायर, सबसे पहले हम लिमिट लगाएं उसकी अनंत से कैपिटल आर, और फिर कैपिटल आर से कहलाए कैपिटल आर से यहां तक समान है जीवन, ठीक है, और बाहर से यहां तक समान है यहां तक के क्यूब r स्क्वायर, तो दो भागों में तोड़ के हम क्या निकालेंगे विभव निकालेंगे। समझ में आई बात, ठीक है, उचित बनाओ फटाफट जल्दी। देखो हम जानते हैं कि अनंत से दूरी r तक, हम जानते हैं कि अनंत से दूरी r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत से दूरी r तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान नहीं होती, अर्थात एक समान रूप से दूरी पर निर्भर नहीं करती, इसलिए बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए गोलीय कोश को दो भागों में विभक्त करते हैं। गोलीय कोश को कितने भागों में विभक्त करते हैं, दो भागों में, कहां से, अनंत से कैपिटल आर और कैपिटल आर से स्मॉल आर, ठीक है, तो देखो दो भागों में विभक्त करते हैं। तो मैं समझाऊंगा, पहला अनंत से कैपिटल आर तक, ठीक है, दूसरा पॉइंट कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक, ध्यान रखिए अनंत से कैपिटल आर तक विभव एक चीज अलग विभव प्राप्त हो, और कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक विभव, ठीक है, दो भागों में विभक्त कर दिया मैंने। अब जब मैंने दो भागों में विभक्त किया तो देखो कैसे लिखूं, बी बराबर में माइनस अनंत से काला रे अनंत से कैपिटल आर तक कैपिटल आर लिमिट लगाई, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर माइनस प्लस आता है लेकिन इसका माइनस आएगा, दूसरा माइनस लगा दिया, ठीक है,
प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो v बराबर में माइनस के अनंत से r e वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और यहां जाए कैपिटल r से स्मॉल r e वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, समझ में आ, तो डायग्राम आपने बना लिया होगा। कैसे निकालेंगे, अनंत से और सतह तक का विभव अलग है और सतह से बिंदु P तक का विभव अलग है, क्योंकि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है और यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग है। यहाँ से क्या प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, शून्य प्राप्त होती है, ठीक है, क्या प्राप्त होती है, शून्य। तो देखो आप इसको हल करें, तो देखो भैया ये अनंत से कैपिटल आर माइनस में इसका मान में दिखा चुका हूं आपको, ये कहां है सतह पर है, कहां है सतह पर, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां, अच्छा गोलीय कोष के अंदर है ये बिंदु, अनंत कैपिटल आर से बात करें स्मॉल आर तक ज्यादा अंदर जा रहे, तो गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ठीक है, चूंकि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, कितनी होती है, शून्य। तो बताओ ये बिंदु यहां के जो क्षेत्र अंदर की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, जीरो, और ये कहां है सतह पर है, कहां है सतह पर, तो देखो क्या आ जाएगा v बराबर में ये पूरा सतह में मान है, इसलिए तो यहां पर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में कैपिटल r, और यहां माइनस समाकलन, ठीक है, कैपिटल r से स्मॉल r, और यहां जीरो लग गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो अंदर जीरो होती है डॉट में dr, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो v इन अंदर क्या प्राप्त हो गई, a बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में क्या जाएगी r, उसको समीकरण नंबर दे देंगे आप 5, तो दे देंगे 5, ठीक है, तो ये प्राप्त हुई है, कहां प्राप्त हुई है, ये प्राप्त हुई है अंदर, कहां प्राप्त हुई है अंदर, मैंने दो प्रकार से निकाल ली, मैंने बिंदु को दो भागों में थोड़ा ध्यान दें, समझ में आई बात, मैंने बेटा बिंदु को कितने भागों में तोड़ा, दो भागों में तोड़ा, एक तो मैंने ये यहां से यहां तक कैपिटल r इसको अनंत से कैपिटल r तक लाया, फिर कैपिटल r से बोला इसको बोला, दो भागों में मैंने जो विभव लिखा है इसे सूत्र में, तो ये सतह पे होता है, ठीक है, सतह के लिए फार्मूला मान लिया 1 / कपड़ा है तो q / r, और ये जो क्षेत्र अंदर पॉइंट है, अंदर क्या होती है शून्य, तो शून्य रख दिया तो शून्य हो गई यार, ठीक है, तो आपको पता है जितनी गोलीय कोष के जितने पृष्ठ पर होता है विभव उतना ही कहां होता है उसके अंदर होता है, समझ में आई बात, ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट जल्दी उतारो भैया, हाँ भाई देखो अतः स्पष्ट है कि, उतार लो फटाफट जल्दी, अतः स्पष्ट है कि गोलीय कोष के अंदर विभव का मान, अतः स्पष्ट है कि, नीचे देखो, अतः स्पष्ट है कि गोलीय कोष के अंदर विभव का मान, गोलीय कोष के अंदर विभव का मान पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के बराबर होता है, पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के बराबर होता है जो अधिकतम मान होता है, पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के बराबर होता है, गोलीय कोष के अंदर विभव का मान पृष्ठ पर उत्पन्न विभव के मान के बराबर होता है जो अधिकतम मान होता है, जो कि अधिकतम मान होता है, जो कि अधिकतम मान होता है, इसका आरेख हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे भैया, इसका आरेख बनाएंगे हम नेक्स्ट क्लास।